ये कांग्रेस वालों के भी सॉफ्ट कम्युनलिज्म के तरफ उनका स्टेप्स है, जैसा पुनीत कह रहे हैं को छोड़े हैं, जैसा चैत्रा के इशू में सिर्फ चैत्रा के देखते हैं, वैसा नहीं है। बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा कम्युनल का ये है, और कर्नाटक में दंगा फसाद करने का उनका साजिश है। उनके जो एजेंट्स है, उनके अंदर एजेंट का एक कंपनी है, वो एजेंट का कंपनी में चैत्रा जैसा लड़कियां है, चैत्रा जैसा और पुनीत केरहले जैसा, उनको ट्रेंड करके रखे हैं कि इन लोग डायरेक्ट अगर पैसा लिए सीट बांटते समय तो इन्हें एक्सपोज हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने उनका एजेंट रखे हैं अंदर, अगर वो पकड़े गए तो हमारे पार्टी का नहीं है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bari Hills Circle Ring Road, Gulbarga. आज CPIM पार्टी जिला समिति से एक मेमोरेंडम हमने सबमिट कर रहे हैं जिलाधिकारी थ्रू गवर्नमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री और जो इंचार्ज मिनिस्टर है, हमने मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं। हम आग्रह कर रहे हैं कि ये जो सूखा पड़ा है, ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं कि इस सरकार पूरा गुलबर्गा जिला सूखा क्या ऐलान किया है, पूरा सूखा पड़ा है, मगर हमने कहते हैं सूखा पड़ा और गवर्नमेंट भी डिक्लेयर किया बस प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ये बात नहीं है। ये हमें मालूम है जब भी सूखा पड़ता है, लोग संकट में पड़ते हैं, उस समय कई लोग बहुत खुश रहते हैं, वो सूखा पड़ने का समय इंतजार करते रहते हैं, वो खुशी में रहते हैं। कौन कौन बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत बड़े गुत्तेदार रहते, जो चुने सो लोग रहते, वो सभी लोग बहुत खुशी में रहते। क्यों? क्योंकि जब भी कामगारी लेते हैं उसका फायदा 70-80% जो मिडिल के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके जेब भर जाता है। जो गरीब लोग हैं, जो लेबर है, जो किसान है, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स है, जो महिला है, दलित है, स्लम एरिया में जिंदगी करते हैं, उन लोगों के हाथ में पैसा नहीं आता है। इनके नाम से जो पैकेज आता है, जो पैसा आता है, वो पैसा 70-80% कॉन्ट्रैक्टर जेब भरता है, उनके ऊपर जो भी लोग हैं वो बांट लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं इस सूखे पड़े सो दिन में, इस ड्रॉट का दिन में आप ऐसा कामगारी ले लो कि ताकि हमारे जो गरीब लोगों के जेब में पैसा आना, वो थोड़ा पेट भर खाना, वो कभी माइग्रेट होके कहीं दूसरा बॉम्बे पुणे जैसा बड़े बड़े शहर नहीं जाना, यही उनको काम मिलना। तो इसके लिए हमने मेंशन करे है, एक है देहांत में मनरेगा है, ग्रामीण उद्योग खातिर एक्ट है, वो 200 दिन बढ़ाओ, एटलीस्ट सूखा दिन में तो बढ़ाओ। और जब भी लोग काम के लिए जाते हैं पंचायत को, रिसीव देना, कोई एक भी ऐसा ग्राम पंचायत नहीं है, हम सवाल करते हैं, एक भी ऐसा ग्राम पंचायत नहीं है कि लोग पंचायत काम के लिए अर्जी लेकर गए तो रिसीव कोई नहीं देते। क्यों नहीं देते? अगर रिसीव दिए तो काम देना पड़ेगा लीगली, इसलिए कोई रिसीव नहीं देते। हम आग्रह करते रिसीव देना, NMMS जो उनका नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, हमारे लोगों को ज्यादा समय काम करना और वहां बैठना, उनका दिन भर पूरा गलत इस्तेमाल करना, ये गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, हम इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं, वो बंद करो। और 700-700 रुपया दिन में उनको पैसा दे दो, वही काम आप सिटी में भी ले लो। एक्ट करते समय देर हो जाएगा तो पैकेज तो करो, जैसा पहला लेफ्ट गवर्नमेंट त्रिपुरा में अगरतला मॉडल का एक है हमारे सामने, उस मॉडल से काम करो कि गुलबर्गा जैसा शहर, आलंद अफजलपुर जैसा शहर में लोग काम ले सके। तो ऐसा बहुत सारे मुद्दा हमने रखे हैं। हम इसके साथ जो हमारे किसान लोग कर्जा लिया है बैंक से, वो मना करो, जैसा आप अदानी अंबानी का कर रहे हैं करोड़ों 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 रुपया। हम कहते हैं किसान तो आपके दूसरे माह है, आपका पेट भर रहे, उनका कर्जा आप मना करो। जो हमारे महिला स्त्री शक्ति स्वसहाय संघ के महिला है, वो कर्जा लिया है, वो मना करो। और हमारे जो स्टूडेंट्स है, उनका जो फीस है, कितना भी फीस कम या ज़्यादा होने दो, वो फीस आप भरो गवर्नमेंट से, कि वो भी मना करो। ये हमने सारे मुद्दा रखकर आज CPIM पार्टी से गवर्नमेंट को हमने मेमोरेंडम दे रहे हैं। चाहते हैं कि कर्नाटक के जो बीजेपी पार्टी है, इससे पहला उनका सत्ता था, बीजेपी पार्टी है, एक दिन भी वो लोग कि कर्नाटक के लोग इतना सूखा दिन में भूखे पड़ रहे, इसके बारे में बात नहीं करें, एक बात तक नहीं करें। कि उसके बजाय उनके जो एजेंट्स है, उनके अंदर एजेंट का एक कंपनी है, वो एजेंट का कंपनी में चैत्रा जैसा लड़कियां हैं,
चैत्रा जैसा हो, पुनीत केरहले जैसा, उनको ट्रेंड करके रखे हैं कि इन लोग डायरेक्ट अगर पैसा लिए सीट बांटते समय तो इन्हें एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने उनका एजेंट रखे है अंदर, अगर वो पकड़े गए तो हमारे पार्टी का नहीं है, हमारे संघ का नहीं है। अगर नहीं पकड़े गए कि उनके थ्रू इन्होंने पैसा लेने का एक बहुत बड़ा जाल है, नेटवर्क है उनके अंदर। ये हमारे कर्नाटक का द्रोह का नेटवर्क है। बीजेपी हमारे कर्नाटक का द्रोह का काम में डूबे है, इसीलिए हमने इसका कड़ी विरोध करते हैं कि कर्नाटक के लोगों के साथ, जनता के साथ गद्दारी कर रहे बीजेपी। हमारे भूखे के बारे में, लोगों के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे कि उनके जो इंसिडेंट है सब है ना, वो पैसा बांटने में कि उनके जो कम्युनल टेंडेंसी बढ़ाने में उन्होंने व्यस्त है। हम इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं। आपकी डिमांड क्या है? तो हमारी डिमांड तो अभी मैंने बता दी है कि मनरेगा सिटी का भी ले लो, और हमारे किसान और श्रमिक लोग जो भी कर्जा लिया है बैंक से वो मना करो, रद्द करो, माफ़ी करो। और हमारे स्त्री शक्ति स्वसहाय संघ के लोग, उनके संघ में भी उन्होंने लिए हैं, वो भी आप माफ़ी करो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो पैसा नहीं भर सकते हैं कि वो मतलब फीस नहीं भर सकते हैं, वो आप फीस भरो। और कामगार ये वो गलत है, इसीलिए हम कहते हैं आप सूखा तो डिक्लेयर करे है, ये तो ड्राट का फुल डिस्ट्रिक्ट करे है, मगर इसके साथ साथ कौन कौन सा काम आप लेते हैं, कैसा हमारे गरीब लोगों को आप क्या है रक्षा करते हैं, ये भी बताना पड़ेगा। सिर्फ आप डिक्लेयर करके ऊपर के लोग पूरा पेट भरने में ऐसा व्यस्त हो गए तो पहला गवर्नमेंट का आपका कोई व्यत्यास नहीं रहता। ऐसा मत करो, लोग आपके ऊपर विश्वास रखे हैं, आप विश्वास को कभी धक्का होने का मौका मत दे दो, धक्का करने का मौका मत दे दो। इसीलिए हम आग्रह करते हैं, और ये कांग्रेस वालों का भी अंदर का इनका जो डिस्प्यूट है उनमें से व्यस्त है, वो भी ये गलत है। और उनका आज का उनका स्टेप भी है ना कि सॉफ्ट कम्युनलिज्म के तरफ उनका स्टेप्स है, जैसा पुनीत केरहले को छोड़े है, जैसा चैत्रा के इशू में सिर्फ चैत्रा के देखते हैं, वैसा नहीं है। बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा कम्युनल का ये है, और कर्नाटक में कम्युनल का ये दंगा फसाद करने का उनका साजिश है। ये सब के बारे में कांग्रेस गवर्नमेंट अगर क्या है मृदु हिंदुत्व कहते हम, हाँ वैसा अगर करे तो ये गलत होती है। कांग्रेस को भी मतलब सत्ता को भी और बीजेपी को भी कर्नाटक के गरीब लोगों के बारे में अगर चिंता नहीं रहता तो लोग रोड के ऊपर आ जाते, क्योंकि भूख ही एक ही सत्य है, भूख से ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग के पेट के अंदर अगर भूख आ गया तो आग बन जाएगा वो, अगर आप लोगों को वो खा जाएगा, वो जलाएगा वो भूख का आग। इसलिए ये समझ लेना बहुत जरूरी है। सीपीएम पार्टी हम आग्रह करते हैं, हम जितना डिमांड रखे हैं आप उसका पूरा करो। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.